तो गाइस ये है होली स्टार्स की वीडियो। तो देख सकते हो कितने सारे नए नए होली के सामान लेकर के आ चुका हूं मैं, जिसकी टेस्टिंग हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए एक-एक करके सभी की टेस्टिंग करते हैं और साथ ही साथ इसका प्राइस भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आ जाता है ये है मैजिक बलून, जिसे बांधने की जरूरत नहीं पड़ती और एक पैकेट की प्राइस है 20 रुपए। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो गाइस इसे फुलाने के लिए हम इस पिचकारी का यूज करेंगे, जिसकी प्राइस है 50 से 60 रुपए। तो देख सकते हो किस तरीके की है। तो चलिए इसमें फुला करके देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस बलून को खोल करके देखते हैं किस तरीके की है। तो ये यहाँ से ओपन होता है और ये रहा एक पैकेट। अब इसे भी खोल करके देख लेते हैं। और गाइस ये रहा बलून। तो गाइस देख सकते हो इसके अंदर कुछ थर्माकोल डाला हुआ है इसके अंदर, और ये लॉक हो जाता है पानी भरने के बाद। तो चलिए इसमें पानी भर के देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले पिचकारी में पानी भर लेते हैं। तो गाइस अब ये भर चुका है, अब इसमें लगाते हैं बलून। तो गाइस बलून लग चुका है, अब इसमें पानी भरते हैं। तो गाइस देख सकते हो बलून भर चुका है और ये अपने आप लॉक भी हो चुका है। और गाइस ये है भूत वाले फेस मास्क, देख सकते हो इसकी प्राइस है 40 रुपए, इसकी प्राइस है 20 रुपए। इसे पहन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस पहले इस भूत वाले को पहनते हैं। तो गाइस देख सकते हो पहनने के बाद किस तरीके का दिख रहा है। अब इसके बाद इसे पहनते हैं। तो यार क्या ही खतरनाक लग रहा था इसमें। तो अब इसे पहन करके देखते हैं, थोड़ा जोकर जैसे दिख रहा है इसमें। और गाइस ये है कलर स्मोक जवान लिखा हुआ है इसमें। तो इसे भी खोल करके दिखा देता हूँ किस तरीके की है। तो गाइस इसके अंदर 5 कलर मिल जाएंगे आपको और इसकी प्राइस है 50 रुपए। तो देख सकते हो किस तरीके की है। तो गाइस चलिए इनमें से एक को जला करके देखते हैं, देखते हैं कौन सा कलर निकलता है। तो गाइस देखते हैं इसके अंदर से कौन सा कलर का स्मोक निकलता है। ये जल चुका है। तो गाइस देख सकते हो ये येलो कलर है और क्या ही गजब का निकल रहा है। और गाइस ये है लिक्विड कलर, जिसकी प्राइस है 20 रुपए, एक डब्बे की प्राइस बता रहा हूँ, इसकी प्राइस है 20 रुपए। और ये रेड कलर है। तो इसे दिखा देता हूँ किस तरीके की है। तो गाइस ये बहुत ही पक्का रंग होता है। तो चलिए इसे लगा करके दिखाता हूँ इस हाथ में। तो गाइस इसे ओपन करके देखते हैं, ये खुल चुका है। तो अब इसे इस हाथ में डालता हूँ, बस इतना काफ़ी है। अब थोड़ी देर बाद इसका कलर देखना सूखने के बाद। तो गाइस देख सकते हो सूखने के बाद इसका कलर क्या ही गजब का रंग आया है, बहुत ही पक्का रंग है ये। और गाइस ये है गोल्डन एंड सिल्वर कलर, जिसकी एक की प्राइस है 20 रुपए। तो आपको दिखा देता हूँ, यह है सिल्वर, यह है गोल्डन। तो इसकी भी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो गाइस पहले सिल्वर कलर को लगा करके देखते हैं। तो गाइस ये रहा, लगा चुका हूँ। अब इसका कलर देखना, वाह यार कहीं गजब का कलर आया है। अब गोल्डन कलर को लगा करके देखते हैं। तो ये रहा गोल्डन, इसे भी लगा दिया हूँ। अब इसका कलर देखते हैं। तो गाइस दोनों का कलर देख सकते हो, आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट में बताओ। और गाइस ये है प्रेशर हॉर्न, जिसकी प्राइस है 40 रुपए। तो आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की है। ये नॉर्मल में ऐसा रहता है और ये खुल चुका है, अब इसे बजा सकते हैं। तो गाइस अब इसे बजा करके दिखाते हैं। तो गाइस साउंड तो क्या ही जबरदस्त है इसका। अब नेक्स्ट आइटम को देखते हैं। तो गाइस ये है पानी में घुलने वाला कलर, जो कि है 2 in 1। इसके अंदर आपको पिंक और ग्रीन मिल जाएगा, इसकी प्राइस है 20 रुपए। तो इसे खोल करके देखते हैं। तो गाइस ये दिखने में कुछ इस तरीके की है। अब इसे पानी में घोल करके देखते हैं, इसके अंदर 2 कलर है। तो गाइस सबसे पहले पिंक कलर को देखते हैं, ये किस तरीके की है। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। अब इसके अंदर कलर कुछ इस तरीके का है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इसे पानी में डाल करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं इसका कलर किस तरीके से आ रहा है। और गाइस इसके पीछे है ग्रीन कलर, इसे भी ओपन करके देखते हैं। तो ये ओपन हो चुका है, अब इसे भी पानी में डाल करके देखते हैं। तो गाइस इसका कलर देख सकते हो। तो गाइस दोनों का कलर देखो किस तरीके का आया है। अब नेक्स्ट आइटम को देखते हैं। तो गाइस ये है श्री गणेश ब्रांड का उमंग ऑर्गेनिक गुलाल, इसकी प्राइस है 70 रुपए। तो आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कौन सा गुलाल है। तो गाइस देख सकते हो दिखने में किस तरीके की है। ये येलो है, ये पर्पल है, ये ग्रीन है, और भी पैकेट है। ये है रेड और ये है पिंक। तो गाइस ये है मैजिक ग्लास, जो कि दिखने में कुछ इस तरीके की है। इसकी प्राइस है गाइस 300 रुपए। तो गाइस इसके अंदर इस तरीके की कप है, इसके अंदर टोटल 8 कप है अलग अलग कलर के। तो इसके अंदर पानी डालना होता है, फिर वो कलर वाला पानी निकलता है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये नॉर्मल कप है, इसके अंदर कोई पानी वानी नहीं है। अब इसमें सीधा पानी डालता हूँ। तो गाइस देख सकते हो ये पानी डाल चुका है और इसका कलर चेंज हो चुका है।
तो गाइस देखना इसे वापस डालने पे कलर वाला पानी निकल रहा है। ओ यार देख सकते हो क्या ही जबरदस्त है ये तो। तो गाइस देख सकते हो पानी का कलर चेंज हो चुका है, थोड़े देर बाद इसका कलर और भी गाढ़ा हो चुका है। तो गाइस ये कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक पैकेट है जो कि टी बैग की तरह दिखता है, जो कि कुछ इस तरीके की होती है, देख सकते हो ये इससे ढका होता है। और गाइस ये है कॉक ब्रांड का सुनो स्प्रे, देख सकते हो ये है ग्रीन कलर, ये है येलो कलर और ये है ब्लू कलर। तो चलिए तीनों को टेस्टिंग करते हैं और इसकी प्राइस है 40 रुपए। तो गाइस सबसे पहले चलाते हैं येलो कलर को, देखते हैं कैसा निकलता है। तो गाइस देख सकते हो किस तरीके का निकल रहा है। अब चलाते हैं इस ब्लू कलर को, इसे भी चला करके देखते हैं इसका कलर कैसा है। तो गाइस इसका देखते हैं, ओ भाई ढंग से चला ले। अब चलाते हैं ग्रीन कलर को, यह है कॉक ब्रांड का, देखते हैं कैसा चलता है। तो गाइस तीनों तो बहुत ही जबरदस्त हैं। और गाइस यह है वाटर स्प्रे, यह है गोल्डन, यह है सिल्वर, इसकी प्राइस है 30 रुपए। तो इसे भी चला करके देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले गोल्डन कलर को देखते हैं। वाओ यार इसका कलर देखो। अब देखते हैं सिल्वर कलर को, यह सिल्वर कलर वैसे दोनों ठीक ही है अपने प्राइस के हिसाब से। और गाइस ये है वाटर टैंक पिचकारी जिसकी प्राइस है 200 रुपए। तो चलिए इसे भी चला करके देखते हैं। तो हमें सबसे पहले इस टैंक के अंदर पानी डालना होता है। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं और उसके बाद ये रहा इसका पिचकारी, इसे कुछ इस तरीके से चला सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो इसका रेंज कितना दूर तक है। वाओ यार बहुत ही जबरदस्त है ये तो। तो गाइस सबसे लास्ट में चलाते हैं कॉक ब्रांड का गुलाल स्प्रे को, देख सकते हो किस तरीके का है। इसकी प्राइस है 120 रुपए, पूरे डब्बे की प्राइस है 600 रुपए। तो गाइस इसे चलाने के लिए इसका लॉक को खोलना पड़ता है पहले कुछ इस तरीके से, उसके बाद इसे निकालना पड़ता है और ये रेडी है चलने के लिए। तो गाइस देख सकते हो क्या ही जबरदस्त है। और ये एक बार में चलाना पड़ता है और ये खत्म, इसके अंदर थोड़ा बहुत बचा है, बहुत ही घटिया है लेकिन।